पुणे से हैं। ओके, कितना एज है आपका? 20। अच्छा, 28। ओके, तो आप हाइमिनोप्लास्टी करना है अपने को, वजाइनल टाइटनिंग नहीं करना है। हाइमिनोप्लास्टी आप समझते हैं क्या होता है? हाइमेन रिपेयर करते हैं ना, तो आपका नियर फ्यूचर में मैरिज है क्या? ओके, तो ठीक है, तो आपको पता है प्रोसीजर में क्या करने वाले हैं अपन? नहीं पता है? देखो इसमें क्या होता है, अपन सबसे पहले तो एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा नींद का दवाई देते हैं, फिर उस जगह पे कुछ लोकल एनेस्थीसिया लगाएंगे, मतलब सुन्न कर देंगे, मतलब आपको कंप्लीटली पेनलेस रहेगा, सिर्फ हाथ में जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके अलावा कोई भी दर्द नहीं होगा। फिर वहां पर जो मेम्ब्रेन है जो रप्चर हो गई है या ब्रेक डाउन हो गई किसी भी कारण से, तो हम उसको फ्रेश करते हैं और उसको फिर दो लेयर में रिपेयर करते हैं, एक इंटीरियर लेयर एक पोस्टीरियर लेयर। ठीक है, तो ये जो रिपेयर होता है इसमें जो हम लोग टांके लगाएंगे वो अपने आप घुलने वाले रहेंगे, मतलब उसको आपको फिर से कटाना नहीं आना पड़ेगा, उसमें कोई निशान नहीं रहेगा, और जैसे नॉर्मल वर्जिन फीमेल में रहता है पूरा, मतलब मेम्ब्रेन पूरी क्लोज रहती है वैसी रहेगी, मतलब कोई बता नहीं पाएगा कि इसमें कोई सर्जरी हुई है। थोड़ा और जोर। इसके बाद सर मींस नॉर्मल वॉकिंग वगैरह आज ये हाँ, सब वॉकिंग ट्रेवलिंग सब कुछ कर सकते हो आज से ही कर आज सकते हो। से, क्योंकि मुझे बैठक भोपाल जाना है अभी। हाँ, बिल्कुल जा सकते हो, उसमें कोई आराम करने का जरूरत नहीं था, कुछ घंटे के बाद आपको छुट्टी कर देंगे, है ना? वो जो जैसे आपका शादी है, कभी मान लो सूचर्स अपने 15 दिन तक कुछ रह गए तो आपको उसको कटाना भी पड़ सकता है, जैसे कि वहां सूचर नहीं रहना चाहते ना अपन किस समय, तो अगर मान लो ऐसा हुआ कि सूचर डिजोल्व नहीं हुए मान लो, तो आप उसको एक आध सूचर कोई रहेगा तो उसको निकलवा भी सकते हो, कटवाना पड़ सकता है, यहाँ पे नहीं कहीं पे अगर भी आप भोपाल में भी करा सकते हो, कट कहीं पे भी जहां रहते हो वहां कट सकते एनओ एम्स हो। हाँ, तो भोपाल कोई तो बस कोई नर्स वगैरह से भी कटा सकते हो, तो समझ में नहीं आएगा, तो उसमें क्या क्यों करा कैसे करा कुछ समझ में नहीं आता है ना। नॉर्मली चांसेस है हाँ, नहीं। डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन कभी जैसे आपका 2 हफ्ते ही है तो कुछ रह जाएगा तो आप उसको कर सकते हैं, हम लोग वैसे जल्दी डिजोल्व होने वाली लगाएंगे, उसमें क्रोमिक से ही लगाएंगे, है ना? तो उसमें जो नॉर्मल ब्लीडिंग होना हो जैसा नेचुरली होता है हेमन याद, वो सब कुछ होगा उसमें। ठीक है, तो और कुछ बोलना है पूछते हैं बोलो। नहीं, वही पूछना था। और जैसे अभी मींस एक 10 तारीख से अगर पीरियड्स है तो मुझे ना नहीं, पीरियड पीरियड तो आएंगे अब, वो तो थोड़े दिन बाद पीरियड आती है सर्जरी के आसपास, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम नहीं, हीलिंग बिल्कुल नहीं, हीलिंग है उसको। नहीं नहीं कोई हीलिंग नहीं, पीरियड तो आएंगी ना, वो तो अब कभी ना कभी कोई भी सर्जरी करेंगे तो उसमें 8-10 दिन 15 दिन में पीरियड तो आएंगे ही, सीरियस में उसमें कोई दिक्कत नहीं।